तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी के एक नए ब्लॉग में। और होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो टिपिकली ये जो मेरी मील थी म्यूजली की, ये मेरी दिन की दूसरी मील थी। इससे पहले मैंने कुछ 12 बजे के अराउंड रोटी सब्जी खाई थी, वो भी दो रोटी केवल। और सही बताऊँ इट्स सरप्राइजिंग टू मी कि मैं इतना कम खा रहा हूँ। कल तक और कल से पहले मैं ठूस कर खाता था भाई, मतलब इस टाइम तक मैं 3 से 4 मील डबोच लेता था अपनी। बट आज पता नहीं क्या हुआ, बट यस आई एम हैप्पी विद दिस। और ये चीज़ मुझे बॉदर भी कर रही है कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ भाई। मुझे अच्छा खासा फील हो रहा है, फीलिंग हेल्दी। शिट भाई लाइट, तो अब क्योंकि लाइट जा चुकी है तो मैं अपने घर के पीछे वाले एरिया में आ गया हूँ, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं आता। सही बताऊँ तो कुछ बीते एक साल में मैं कुछ तीसरी या चौथी बार यहीं पर आ रहा हूँ। बैठा तो मैं बिल्कुल ही नहीं, मैं किसी काम से ही आता हूँ, बट आज भी मैं किसी काम से ही आया हूँ। अंदर थोड़ी आवाज़ आएगी, सॉरी, क्योंकि किचन यहीं पे है तो वो भी खाना वाना बना रही है तो आवाज़ आएगी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। मेरा भाई भी आ गया, मुझे पता भी नहीं चला कब आया। और अगर मुद्दे की बात करूँ तो आज मैं एक हेयर कट लेने वाला हूँ, और हेयर कट इन द सेंस मैं पूरे अपने बाल नहीं कटवा रहा, मैं एक मेंटेनेंस कट लेने वाला हूँ। बट मेंटेनेंस कट भी ऐसा कि मैं थोड़ा सा अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जनरली जो मैं मेंटेनेंस कट लेता हूँ वो ऐसा होता है कि जैसे मेरे जो साइड से जो निकल जाते हैं ना, मैं इनको बस थोड़े से कटवा देता हूँ, और साइड और पीछे की साइड जो ये जो होते हैं मैं इनको भी कटवा देता हूँ। और काइंड ऑफ मैं आधा इंच अपने बालों में से जो लेंथ है वो कटवाया हूँ। और इस वक्त जो मेरे बालों की लेंथ है वो है, खुल जा भाई खुल जा, वो है इतनी। और सही बताऊँ तो आज मैं थोड़े से बाल कटवाने वाला हूँ, कुछ 1 इंच के अराउंड, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई है। और आज कौन सा हेयर कट होने वाला है वो मेंटेनेंस कट तो नहीं होगा, वो थोड़ा सा और हट के रहेगा। और वो हेयर कट क्या होने वाला है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो अब मैं भाई जाने के लिए तैयार हूँ बाल कटवाने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। मुझे नहीं पता भाई क्या हो रहा है अंदर, मतलब कि यार सो एक्साइटेड टू गेट अ न्यू लुक। मुझे नहीं पता कि क्या पता वापस आते वक्त मेरे पास ये बन रहे या ना रहे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वहीं जाके अपना सेलेक्ट करूँगा मुझे कौन से हेयर स्टाइल रखना है। मेरे पास कुछ 3 से 4 हेयर स्टाइल शॉर्ट टेस्टेड है, कौन से हेयर कट मैं लेने वाला हूँ वो आपको पता लगेगा वहीं। मैंने बाल कटवा लिए, और मुझे नहीं पता डिफरेंस ऐसे कैमरे में नहीं दिख रहा, बट मैंने साइड्स को थोड़ा सा ट्रिम करवाया है। और अगर बालों को खोलूं तो भाई ज़रा देखो, ये देखो भाई क्या मतलब, देख रहे हाँ, मैंने लेंथ को थोड़ा सा कम कराया है, तो मेरी जो नॉर्मल लेंथ थी वो कुछ यहाँ पर आती थी, मैंने उसको यहाँ करवा दिया। भाई बाल क्या सिल्की लग रहे हैं यार, देख रहे हो भाई। तो हाँ, मैंने जो कटिंग कराई है वो इस हिसाब से कराई है कि ताकि मैं अपने बाल खोल सकूँ, क्योंकि जिससे पहले जो मेरी लुक थी जो, उसको मैं ज़्यादा बाल खोल के रख नहीं सकता था, क्योंकि वो बाल इतने मेसी हो जाते थे, वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं थोड़ा वॉल्यूम को कम करवाया, और मेन ये है कि साइड से मैंने इसको थोड़ा सा कटवाया है, और पीछे से भी, जो कि बहुत गंदा लग रहा था। अगर आप मुझसे कुछ बीते 1-2 हफ्ते में मिले हो तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी हाँ, अब थोड़ा हल्का लग रहा है, क्लीन लग रहा है। भाई ने इतनी बढ़िया बाल की कटिंग करी है ना, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया भाई, मैं क्या, मेरा भाई कर रहा था, क्योंकि वो भाई अपनी रील शूट कर रहे थे भाई। मतलब उन्होंने, मुझे नहीं पता आज से पहले कितने बाल काटे हैं कितने नहीं काटे, बट भाई रील उनकी मतलब परफेक्ट बनी होगी, मैंने देखी नहीं है ना। मैंने पूछा भाई तुम बना लो मुझे नहीं, मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया यार, तुम बना लो। तो बाकी यही था यार, अब बताओ कि अब ठीक लग रहे हैं कि नहीं, क्लीन लग रहे हैं कि नहीं। बाकी भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सही बताऊँ तो। वो भाई कह रहे तुम्हारे रोमन रेंज जैसे बाल काट दूँ, मैंने कहा भाई काट दो, बस तुम ज़्यादा झमेला मत करना यार। तो और भाई गोलू अब कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? बेकार यार। देखो तुम्हारा भाई अगर तुमसे नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? आजकल भाई भाई का दुश्मन है यार, मैं सही में कह रहा हूँ, भाई अपने भाई का दुश्मन है। पता नहीं कब से ऐसा ये फ्रेंड सा बन गया है। गोलू सही में बेकार लग रहे हैं क्या? सही बता यार, कर क्या रहा है तू? कुछ भेज रहा हूँ किसी को। इसकी बातों में मत जाना, आप बताओ कैसा लग रहा है, बेकार मत दिखना बस। और हाँ ये भी है कि अगर मैं
पीछे से अगर पोनी बांध लूँ तो भाई देखो क्या कूल लग रहे हैं आप। वाह वाह। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और कल क्या नींद आई यार, सही में मैं मतलब एकदम भंट हो के सोया हूँ। सही बताऊँ तो मतलब मुझे अभी लग रहा था जब मैं उठा कि यार कुछ 8 या 7 बज रहे होंगे कि सब उठ चुके हैं घर में और अभी कुछ काम आराम से मतलब साफ सफाई हो रही है। और जब मैं घड़ी देख रहा हूँ तो भाई 11 बज रहे हैं। मतलब मैं कल रात को कुछ 12 बजे सोया और अभी सीधा मेरी आँख जो खुली है वो सीधा 11 बजे खुली है। उससे पहले मैं कहा था मुझे कुछ होश नहीं है, मतलब जनरली मैं ऐसे बीच बीच में उठता रहता हूँ, पर भाई कल क्या नींद आई। हो सकता है कल बहुत बढ़िया दिन था, कल बहुत ही अच्छा सा दिन गया था यार, क्योंकि कल कुछ ऐसा कुछ डाउन नहीं था, कल केवल अब ही आ रहे थे दिन। वरना ऐसे जनरली तो ऐसे ऐसे मेरे दिन जाते हैं, कल का मेरा दिन एक्सटेटिक सा था, ऊपर ही गया है। अब पता नहीं आज का दिन कैसा होगा, बाकी मज़ा आया है। ये टी शर्ट कैसी है मैं नहीं बताऊँगा, ये मेरी ऑडियंस बताएगी। ऐसे तो बेकार लग रही है और इसकी यही दिक्कत है भाई, जब भी मैं व्लॉग करूंगा ना ये अपने गाने चला देगा ताकि कॉपीराइट आ सके। और पिछली वीडियो में भी कॉपीराइट आ गया था तो मुझे लास्ट का पूरा सेक्शन म्यूट करना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो इस बात को हटाते हैं। बाकी अब मैं नहा चुका हूँ और इस वक्त मेरा जो असली हेयर स्टाइल है वो उभर के आ रहा है, तो बताओ कैसा लग रहा है। और सही बताऊँ तो यार अब बन थोड़ा सा ना क्लीन लग रहा है और ये जो साइड्स है ना ये भी क्लीन लग रहे हैं। और वरना फिर इससे पहले इतना मेसी हो जाता था ना, मुझे इतना गंदा लगता था, बाहर जाओ जब पसीना हो जाता था भाई साहब, बाल ऐसे निकल जाते थे और इतना गंदा लगता था, बट अब ठीक लग रहा है। हाँ अगर मैं बालों को खोल दूँ तो खुल जा भाई, खुल जा। कहाँ गया यार, एक तो रबड़ खो जाती है भाई, ये रबड़ बैंडिंग हो जाती है। हाँ तो दैट्स हाउ आई लुक नाउ। और मेरी लेंथ ऑफ कोर्स कम हो गई है क्योंकि मेरी जो लेंथ थी पहले वो कुछ यहाँ तक आती थी, जो कि मैं कल बता चुका हूँ, बट यार स्मूथ लग रहा है अब और क्लीन लग रहा है। चलो यार इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं और होप करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप यहाँ तक इस व्लॉग को देख चुके हो तो अब लाइक करना अनिवार्य है, लाइक करके ही जाना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू देन। दिस साइड मृत्युंजय, ओवर एंड आउट।